नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं चिनूक के बारे में। ये यूएई आर्मी का चिनूक है और चिनूक यूजुअली तो ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं, बट ये छोटी मोटी गन्स भी फायर कर सकते हैं और इनको अलग अलग चीज़ों के लिए इक्विप्ड किया जा सकता है। जैसे कि ये पीछे आप अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये इक्विप किया हुआ है कि एंटी मिसाइल जो है फ्लेयर्स है वो छोड़ने के लिए इक्विप्ड हुआ हुआ है। तो यहाँ पे चिनूक में क्या क्या है, यूएई आर्मी वाले चिनूक में क्या क्या है, ब्रीफ वॉकराउंड जिसका करते हैं। बड़े बड़े रोटर्स हैं इसके, आप देख पा रहे हैं, जो कि फ्लैक्स होते हैं, काफ़ी सारे दो हैं आगे और पीछे, दो तरीके के रोटर्स आपको देख पा रहे हैं। उस तरफ से इसकी एंट्री है प्राइमरी, तो वैसे क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो है एंट्री पीछे से ही होती, तो अभी पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपके पास में ये देखो, ये लिखा हुआ है यूएई का सिंबल है, यूएई आर्मी का ये है तो सिंबल है। अब यहाँ पे ये देखो, ये फ्लेयर है, ये फ्लेयर है, तो ये जो फ्लेयर्स यहाँ पे दी हुई है ये काम आती है अगर किसी को दूर भगाना हो। तो एक इंजन आप यहाँ देख पा रहे हैं और ब्लेड्स आपको दिख ही पा रही है, एक छोटा सा इंजन जो है उधर है, मतलब इंजन बेसिकली दो है और वो जो है इनको पावर करते हैं। और अंदर से क्या है उन चीज़ों की बात करते हैं, अंदर चलते हैं। ओके, तो अंदर की और क्या क्या है देखते हैं। हमने पीछे से एंट्री ली है, विच इज़ यूजुअल एंट्री फॉर दीज एयरक्राफ्ट। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एकदम रॉ है, मतलब कोई कवर ओवर नहीं किया गया, वेट को जितना लाइट हो सके उतना लाइट रखने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। दीज आर टेम्पररी सीट्स, इनको चेंज करके कुछ भी बनाया जा सकता है, व्हीकल लोड के लिए या कोई एमिनेशंस लोड करनी हो उसके लिए, वॉर के टाइम पे कुछ भी चीज़ें करनी हो, या मल्टीपल सीट्स जो है वो भी इन हुक्स में डाली जा सकती है ताकि कोई रेस्क्यू मिशन वगैरह अगर इससे करना हो तो वो भी की जा सकती है। ये जो कवरिंग्स हैं ये ज़रूरी नहीं है लगानी, इज जस्ट प्लेस हियर ताकि ज़्यादा ओपन चीज़ें ना रखे। एंड दीज आर राउंड बिग विंडोज़ जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन अगेन इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे है, देयर इज दैट इमरजेंसी एग्जिट ऊपर लिखा हुआ अभी उसके आगे। ये प्राइमरी दरवाजे हैं इसके जिससे आ जा सकते हैं, ये विंडो है, ये दरवाज़ा है। इट इज़ लिटिल अनयूजुअल, दूसरी साइड में आपको देखने को मिलता है। आगे की तरफ कॉकपिट है, बहुत ही रॉ कॉकपिट है और बहुत ही डिफरेंट कॉकपिट है एक्चुअली। तो आपको बाहर से भी मैं दिखाता हूँ, इतना बड़ा जो ये ग्लास एरिया वगैरह आप देख पा रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी आप देख पा रहे हैं, उसका रीज़न है कि भैया आसपास का पूरा व्यू जो है वो नज़र आना चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ पे जो है चिनूक को डिज़ाइन किया गया है, जितना ज़्यादा चीज़ें देखी जा सके उतना ज़्यादा, मतलब जितनी पॉसिबल हो ज़्यादा। और पूरा जो सिस्टम है वो बेसिकली रेस्क्यू मिशंस या क्लोज्ड क्रैम्ड एरियाज़ में कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं, ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट करना है या कुछ जो है सामान पहुंचाना है, तो उन चीज़ों के बहुत ज़्यादा ये काम आता है। बहुत ही हैवी लिफ्टिंग जो है ये चिनूक कर सकता है यहाँ पे, और उसके लिए एक्चुअली ये ज़्यादा फेमस है। अलग अलग आर्मी यूज़ करती है, इंडियन आर्मी भी जैसे मैंने बताया कि यूज़ करती हैं और यूएई आर्मी भी यूज़ करती है। यूजुअली काफ़ी जो कहते हैं ना कि रिलायबल प्लस काफ़ी जो है यूजेबल है, वो फ्रूगल है, तो इस वजह से काफ़ी यूज़ किया जाता है चिनूक। बाकी कई इसके अल्टरनेट्स भी बहुत आते हैं, हालांकि अभी यहाँ पे कोई पड़ा नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। एक यूएस आर्मी के पास में वहाँ पे है, बट वो पूरा सेक्शन ही आज पता नहीं क्यों बंद है, तो देखते हैं अगर वो शूट कर पाए तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका अल्टरनेट क्या है। अभी यहाँ पे एक और है, आई डोंट नो ये यूएई आर्मी का है या किसका है, आई डोंट थिंक सो ये यूएई आर्मी का है, ये किसी का है, इसमें जाके ट्राई करते हैं अगर ये हो पता नहीं हो पाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर इसका वीडियो बनेगा तो अलग से आएगा, बाकी तो बस यही है।